बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू प्रिया का किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेमेडी जो कि बहुत से लड़के और लड़कियों की प्रॉब्लम है। वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना और नज़र का कमज़ोर हो जाना और दिमाग की कमज़ोरी, और आजकल छोटे बच्चों के बाल भी तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं। इनको दोबारा काला बनाने के लिए नज़र को तेज़ करने और दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज़ बनाने के लिए बहुत ही आसान और सिर्फ तीन चीज़ें अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। तो इसके लिए हमें चाहिएंगे आधा पाव बादाम और आधा पाव हमें अखरोट की गिरी चाहिएगी और एक पाव हमें खजूरें चाहिएंगी। तो एक पाव मैंने खजूरें ली हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था क्योंकि इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ होता है। गुठली निकाल के हमने एक पाव वज़न ले लेना है खजूरों का ताकि हमें इसे ग्राइंड करने में आसानी हो। तो ये देखिए, इस तरह से हमने गुठली भी निकाल देनी है। तो बादाम और अखरोट को मैंने चॉप कर लिया है। अब हम इसमें से थोड़े से बादाम और अखरोट चॉपर में डालेंगे। तो देखिए, हमने इसमें थोड़े से बादाम और अखरोट पिसे हुए डाले हैं क्योंकि खजूरों को हम इस तरह से पीसेंगे तो ये पीसेंगे नहीं। आप इसे ग्राइंडर में डाल के भी पीस सकते हैं। मेरे पास चॉपर मौजूद है तो मैं इसमें कर रही हूँ। तो देखें, ये हमारे चॉप हो गए हैं। हमने बाकी के भी इसी तरह से चॉप कर लेने हैं। अब हम इसे एक परात में निकाल लेंगे और छोटे साइज़ के लड्डू बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसको भीचेंगे तो ये आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं। तो ये देखें, हमने तकरीबन इस साइज़ के लड्डू बना लेने हैं। बस इसी तरह से हमने तमाम बना के रख लेने हैं। तो हमने एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम तीनों टाइम एक एक लड्डू खाना है। तो देखिए, इस तरह से आप इसको कवर करके स्टोर करके रख सकती हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।